लास्ट ईयर जुलाई में हम कोयम्बटूर गए थे। हम कोयम्बटूर में लगभग 4 दिनों के लिए थे। हम 13 जुलाई की सुबह लगभग 4 बजे पुणे से फ्लाइट लेकर सुबह सुबह कोयम्बटूर पहुंच गए। तो इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कि आप कोयम्बटूर में कहां कहां घूम सकते हैं। कोयम्बटूर सिटी से कुछ दूर ही ईसा योगा सेंटर है। आप जगह जगह पर ईसा योग सेंटर के पोस्टर देख सकते हैं। एक तरीके से यह ईसा योगा सेंटर कोयम्बटूर सिटी की पहचान बन चुकी है। हमने एक टैक्सी बुक की। यहाँ ज़्यादातर ड्राइवर्स को हिंदी और अंग्रेजी अच्छे से नहीं आती, इसलिए कभी कभी लैंग्वेज गैप के कारण प्रॉब्लम होती है। हम एयरपोर्ट से अपने पहले डेस्टिनेशन यानी अमृता विश्वविद्यम की ओर निकल पड़े। जुलाई के महीने में कोयम्बटूर का मौसम बहुत ही सुहाना होता है। कोयम्बटूर सिटी के अंदर कुछ छोटे छोटे पहाड़ हैं जो बहुत ही खूबसूरत दृश्य प्रस्तुत करते हैं। अमृता विश्व विद्यापीठ हम कोयम्बटूर एयरपोर्ट से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी में स्थित है। अगर आप अमृता विश्व विद्यापीठम के बारे में ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे इस विद्यापीठम पर बने व्लॉग्स चेक कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगले दिन हम निकल पड़े ईसा योगा सेंटर। ईसा योगा सेंटर कोयम्बटूर से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी में स्थित है। अमृता विश्वविद्यम इटिमेडाई नाम के एक छोटे से गांव में स्थित है। तो सबसे पहले हम ऐसे बस स्टैंड में पहुंचे जहां से हमें ईसा योगा सेंटर के लिए डायरेक्ट बसेस मिल जाए। कोयम्बटूर सिटी से रेगुलर इंटरवल में ईसा योगा सेंटर जाने के लिए बसेस मिल जाती हैं। साउथ इंडिया टेम्पल्स के लिए फेमस है। आपको सिटी के अंदर लगभग हर 500 मीटर के डिस्टेंस में एक टेंपल मिल जाएगा। गांधीपुरम या फोंडी में आने वाली बसेस का शेड्यूल आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। ईसा योगा सेंटर के आसपास के इलाके में आपको जंगल देखने को मिलेगा। अगर आप नहीं जानते होंगे तो आपको बता दें कि ईसा योगा सेंटर में ही 112 फीट की आदि योगी की स्टैचू है। आप पूरा वीडियो देखने के लिए हमारा ब्लॉग देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। हम कोयम्बटूर लगभग 4 दिनों के लिए थे। उसके बाद हम निकल पड़े अपने अगले डेस्टिनेशन की ओर जो था बेंगलोर। हम कन्यापुरी बेंगलुरु एक्सप्रेस से बेंगलोर जाने वाले थे। यह ट्रेन कोयम्बटूर में रात के लगभग 11 बजे पहुँचती है। वीडियो में यहीं तक। अगले वीडियो में हम आपको लेकर जाएंगे बेंगलोर। बेंगलोर में हम आईएससी बेंगलोर, स्कॉन टेंपल, हनुमान टेंपल और कुछ फेमस प्लेसेस विजिट करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।